हेलो एवरीवन, हमारे चैनल आपका रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी शुरू करते हैं। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 सैंडविच वाले ब्रेड लिए हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है कि हमें ये ब्रेड का जो साइड वाला ब्राउन वाला पार्ट होता है, इसे चाकू की सहायता से काट के हटा लेना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इस शाही टुकड़ा को मैं आपको बनाना बताऊंगी बिल्कुल कम दूध में, और ना ही इसमें हम खोया का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क का। बिल्कुल जो हमारे घर में सामान उपलब्ध होता है उसी से हम इसे बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखिए, ब्रेड को हमने चारों तरफ से इस तरीके से इसके पार्ट को काट के हटा लिया। अब हम इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को काट लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे और उसे चारों तरफ फैला लेंगे। घी जब पूरा गर्म हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें एक एक करके दोनों तरफ से अलट पलट के हम ब्रेड को दोनों साइड से अलट पलट करके हल्के ब्राउन कलर का कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम ब्रेड को सेकेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को पैन में डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक एक साइड से और फिर फ्लिप करके दूसरे साइड से 2 मिनट तक पका लेंगे। ये हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं रबड़ी बनाने। तो रबड़ी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें एक ग्लास पूरा मलाई वाला दूध डाल देंगे। तो ये सिंपल सा दूध है जो हमारे घर में आता है। अब हम दूध को हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक गाढ़ा करेंगे। तो इस दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा बनाने के लिए हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच लूँगी। आप किसी भी ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 चम्मच ठंडा दूध लेंगे, उसमें कस्टर्ड पाउडर को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करते समय कभी भी आप दूध लें तो वो ठंडी दूध लें, गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे दूध को उबलते हुए भी 10 मिनट का समय हो गया है। तो अब हम इसमें 2 कूटी हुई इलायची डाल देंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और थोड़ी सी किशमिश और पिस्ता को बिल्कुल बारीक काट लिया है, उसे हम थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब इन सबको डालने के बाद से हम फिर से दूध को हाई फ्लेम पर ही 5 मिनट तक और चलाएँगे। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद दूध जो है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया, मतलब एक ग्लास दूध हमने लिया था तो यहाँ आधा ग्लास दूध बचा हुआ है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। तो मैं यहाँ 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इसमें जो कस्टर्ड वाला मिल्क तैयार करके रखे थे उसे थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर डाल देंगे। कस्टर्ड वाला मिल्क डालने के बाद से हम इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही चलाएँगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया। ये देखिए, इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। और ना ही इस रबड़ी को बनाने के लिए हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया और ना ही खोआ का इस्तेमाल किया, और ये खाने में इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप एक बार इस शाही टुकड़े को ज़रूर बनाएं और मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो ये देखिए, रबड़ी भी हमारा रेडी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट में इस तरीके से ब्रेड को सजा लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम रबड़ी को डालेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो इस शाही टुकड़े को एक बार आप मेरे बताए गए तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा शाही टुकड़ा बन करके रेडी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।